सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी, साथ बेल के बटन को भी दबाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सूबाई और ख़ास तौर पे वफाकी मुलाजमीन और वफाकी मुलाजमीन से भी ख़ास तौर पे वफाकी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को सलाम। इस मैसेज को ख़ास तौर पे शेयर करें। इस मैसेज को शेयर करना आपके ऊपर लाजिम व मलजूम है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एक साल की जिद्दोजहद थी इस तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से, जो स्केलों के अंदर तफरीक थी उसके हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुलाजमीन की बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद की वजह से ये कामयाबी मुमकिन हुई। इत्तफाक इत्तेहाद किसी भी दुश्मन को मंजूर नहीं होता, और हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती आई है और मुलाजमीन इसी पॉलिसी का शिकार थे। 18वीं तरमीम भी इसी हवाले से आई। 10 फरवरी और 6 अक्टूबर को अमली तौर के ऊपर एक बाहमी यकजहती का मुजाहरा हुआ। तमाम सूबों के मुलाजमीन ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, खास तौर पे वफाकी सेक्रेटरीट और वफाकी मुलाजमीन ने, जिन्होंने सुबह 7:30 बजे वफाकी सेक्रेटरीट को बंद किया और आंसू गैस और शेलिंग का मुजाहरा किया। इसके साथ साथ सूबाई कायदीन और सूबाई मुलाजमीन की शमूलियत का जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती होगी, मगर खास तौर पे मैसेज है उन वफाकी मुलाजमीन के लिए जो जगह जगह पे इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि वफाक ने उनको इस्तेमाल कर लिया और सब कुछ कर लिया। आप बहुत अकलमंद हैं, आपको आपके घर वाले इस्तेमाल नहीं कर सके, आपकी फैमिली मेंबर्स इस्तेमाल नहीं कर सके, तो वफाक के मुलाजिम क्या इस्तेमाल करते। 7,21,000 मुलाजमीन डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के बेनिफिशियरी हैं। 24 मार्च को एहतजाज हुआ, वफाक से मुलाजमीन और कायदीन वहां पे पहुंचे अपने सूबाई मुलाजमीन के शाना बशाना। वफाक ने तमाम तंजीमों और धड़ों को इकट्ठा करने में किरदार अदा किया, 10 फरवरी को भी और 14 मार्च को भी, और उन हदायात के ऊपर जो एक वफाक की जानिब से डायरेक्शन जारी हुई थी आप लोगों के लिए, उस वजीर आला ने ऐलान किया। पंजाब के हवाले से मैं बात करूं, जिसने ये कहा था कि हम इस साल तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे। 7,21,000 सूबाई मुलाजमीन इतने अकलमंद हैं कि उनको कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है कि लास्ट टाइम 20 मई को भी जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ तो उसमें से 7,15,000 मुलाजमीन घर में बैठे हुए थे और सिर्फ 5 से 6 हजार मुलाजमीन वहां पे एहतजाज में थे। सुल्तान मुजद्दीदी साहब चेयरमैन अगीगा उनकी क्यादत में, खालिद जावेद संगेड़ा साहब पंजाब का जो अलायंस बने उनकी क्यादत के अंदर ये साथी वहां पे मौजूद थे। अगीगा का ही एक हम ख्याल ग्रुप बना, वो भी वहां पे मौजूद था, उनको हमने इकट्ठा किया। अगर इतने अकलमंद हैं ये 7,21,000 मुलाजमीन और अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, तो अभी भी गुज़िश्ता 7 दिन से हमारे 1,000 इख्तलाफात उनसे होंगे। कायदीन के मुताबिक, हमारे मुताबिक के वजीर आला ने ऐलान कर दिया है तो समझे तनख्वाहों में इजाफा हो चुका, देर उसमें हो सकती है। अगर इतने ही आप खुददार हैं और इस्तेमाल नहीं होना चाहते तो अपनी जात के लिए 7,21,000 मुलाजमीन निकलें। पंजाब नेशनल असेंबली के सामने 7 दिन से एहतजाजी धरना जारी है, आप वहां पे जाएं और अपने लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का नोटिफिकेशन ले लें, जो कि मुतवक्को है कि इंशाल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा। जो केपीके के मुलाजमीन कहते हैं कि वफाक ने इस्तेमाल कर लिया और सब कुछ है, कायदीन जो मुजाकिरात में शामिल थे उनको बड़ी बेहतर तरीके से पता है कि वफाक ने क्या किरदार अदा किया मेजबानी के हवाले से। वफाक के मुलाजमीन अगर चाहते तो अपना वफाक के हवाले से मामलात ले लेते और 10 फरवरी का दिन ही ना आता, मगर हम आप सूबों के लिए वहां पे खड़े रहे। जो खास ग्रुप थे जो मुलाजमीन का इत्तेहाद नहीं चाहते थे, 6 अक्टूबर को अगर एहतजाज था तो 14 अक्टूबर को आए, 10 फरवरी को अगर एहतजाज था तो उन्होंने 15 फरवरी की तारीख रखी।
वो लोग इस इत्तेहाद को देखना ही नहीं चाहते थे और अभी मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उनके लिए शर्म का मुकाम है। उनको बताते चलें कि ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जिसका ऐलान केपीके में 26 तारीख को कर दिया गया है, वफाक ने उसकी भरपूर हमायत का भी ऐलान किया, 50 गाड़ियां हमने यहां से बुक करवाई थी और तमाम मामलात थे जिसकी हमने कैंसिलेशन की, 18 मई को जो हमारा सूबों का भी यहां पे हमने इजलास बुलाया था उसमें क्लियर कट एजेंडे के अंदर था कि वफाक की तारीख क्या रखनी है, मगर मैंने उनको वाजे किया था कि जब तक हमारा सूबों का मसला हल नहीं हो जाता हम वफाक के एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। पंजाब केपीके के मुलाजमीन को मुबारक हो, जो लोग ये कहते हैं कि इस्तेमाल किया गया, लाखों की तादाद है, 7 लाख में से आप अभी 1 लाख मुलाजिम पहुंच जाएं, तो 1 मार्च या 1 जून का जो है आप पिछले जुलाई से ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं, अमली तौर पे आपको निकलना पड़ेगा। जो ये कहते हैं कि वफाक ने ले लिया, वफाकी मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 साल से उस अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहे हैं जिसके आप सूबाई मुलाजमीन गुज़िश्ता 7 साल से फायदा उठा रहे हैं। क्या वफाकी मुलाजमीन ने गिला किया? वफाकी मुलाजमीन से भी मेरा यह शिकवा है कि जिनकी तनख्वाहों में तो इजाफा हो चुका 25% का, अपग्रेडेशन का एक कैडर उठ के कहता है हमारे साथ ज्यादती होगी, कंप्यूटर के ऑपरेटर कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया, स्टेनो कहते हैं हमारा नाम नहीं लिया, नैब का से ड्राइवर कहते हैं हमारा नाम नहीं लिया, यूडीसी एलडीसी उठ के कहते हैं हमारे कैडर की बात नहीं हो रही। मैं उनको वाजे करता चलूं कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो फैसला किया गया है वो ग्रेड 1 से 16 के हवाले से है, तो तमाम साथियों को मैं वाजे करता चलूं कि इससे एक लफ्ज भी पीछे नहीं हटा जाएगा। एडहॉक रिलीफ के हवाले से आपको वाजे करता चलूं मुलाजमीन को कि इसका फ्यूचर में फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है पेंशन पे इजाफे का तकरीबन 40% आना है, जिस पे गवर्नमेंट किसी सूरत में राजी नहीं होगी, मगर हमारा एग्रीमेंट है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है हमने। टाइम स्केल प्रमोशन जो साथी 15-15, 20-20 साल से इसके इंतजार में है, पंजाब के साथियों को मिल रहा है, हमने गिला नहीं किया, हमने उसका भी रखा है, इंशाल्लाह ताला जुलाई में करवाना है। तमाम साथी फर्ज समझे, इस मैसेज को शेयर करें। आज के दिन मैं पहली दफा वफाकी मुलाजमीन को यह मैसेज दे रहा हूं कि कोई भी शरपसंद शरारती इस नेगेटिव मैसेज को शेयर करता है तो आपने अमली तौर पे उसको जवाब देना है कि 6 साल पहले जो मुलाजमीन ने वफाकी मुलाजमीन ने अपग्रेडेशन ली है सूबाई मुलाजमीन ने, उन्होंने वफाकी मुलाजमीन के लिए क्या किया? लाखों के हिसाब से जो सूबाई मुलाजमीन है अपने हक के लिए, आप अपने सूबे में तो निकल नहीं सकते, वफाक के हवाले से बात करते हैं, 10 फरवरी को वफाक की हिदायत थी जिसकी वजह से आप सूबाई मुलाजमीन को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ मिला, 25% का ही मिला, तारीख के ऊपर नो डाउट कायदीन वहां पे मौजूद थे सूबाई, उन्होंने बेहतर समझा जो भी उनके मामलात थे, मार्च की बजाय अगर जून से हुआ तो यहां से वाजे हदायत अप्रैल के 1 मार्च के हवाले से जा चुकी थी। 25% ही पंजाब में ऐलान किया है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने किया है, 25% का ही केपीके के उसने किया है वजीर आला ने। बलूचिस्तान के साथियों का लेट हो रहा है, डिले है, हमारी हमदर्दियां उनके साथ है, मगर अफसोस का मकाम है बलूचिस्तान के मुलाजमीन के लिए भी कि अगर मामलात हल नहीं हुए आपने अपने उन कायदीन को निशाना बनाया तनकीद का वफाक के तो हम दूर का रह जाते हैं। अब्दुल मालिक काकड़ साहब जिनको शोकाज हुआ हुआ है उनकी नौकरी खतरे में। तमाम मुलाजमीन के लिए मैसेज है 3 जून 2021 आने वाले बजट के हवाले से कि हमें एतमाद में लिया जाए, पेंशन में कम से कम 50% इजाफा, मेडिकल अलाउंस की बात इसके अंदर हम कर रहे हैं, कन्वेंस अलाउंस की कर रहे हैं, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से वो हर सूरत में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं, इस मैसेज को शेयर करें। जिसने नहीं आना वो पहले भी नहीं आया था, वो अभी भी नहीं आएगा, तो घरों में बैठ के तनकीद करें या जो भी करें रहमान बाजवा को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह ना ही मेरे पास कोई ओहदे हैं ना ही कोई फंडिंग आ रही है। सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को सलाम, कोर कमेटी को जिन्होंने आज की डेट तक एतमाद रखा,
वफाक की फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की तंजीमों का शुक्रिया कि जिन्होंने अभी तक आज की डेट तक एतमाद रखा हुआ है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस अगीगा की, वो तमाम क़यादत उनका बहुत शुक्रिया कि जिनको अभी तक वफाक के ऊपर एतमाद है। 18 तारीख को भी आप साथी आए, 3 जून को आपको दावत है, इंशाल्लाह ताला तमाम सूबाई कायदीन यहाँ पे आएंगे। सिर्फ वफाक के मुलाजमीन एहतजाज करेंगे और हमारे पिंडी के कुछ साथी राजा औरंगजेब साहब इंशाल्लाह ताला शिरकत करेंगे। तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए मैसेज है, अगर घरों में बैठे रहे तो पिछले साल जून की तरह यही हाल आप लोगों का होगा, किसी उम्मीद पे नहीं रहना है। बच्चे को माँ उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है, अमली तौर पे आपको निकलना पड़ेगा। खास तौर पे वो वफाकी मुलाजमीन जिनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल चुका है, वाजे करता चलूं एंड पे कि तनख्वाहों में तफरीक कम हुई है, खत्म नहीं हुई, और इस तहरीक तब तक चलती रहेगी जब तक तनख्वाहों की तफरीक खत्म नहीं हो जाती। इस मैसेज को शेयर करें, तमाम साथी फेसबुक सोशल मीडिया तमाम साथी एक्टिव हो जाएं। 3 जून को आपने भरपूर शिरकत करनी है इंशाल्लाह ताला, मैं वहां पे मौजूद होऊंगा और लीड करूंगा आप लोगों को। बहुत शुक्रिया।